टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे कांटी ग्राम में पर्यावरण को संरक्षित करने और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। गांव की महिलाओं एवं कृषि वैज्ञानिकों की पहल पर खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाली लकड़ियों की समस्याओं से निजात पाने के लिए कांटी गांव में 3 सालों में 188 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कांटी ग्राम में लगभग 240 परिवार रहते हैं। गाँव के 80% घरों में आज गोबर गैस पर खाना बन रहा है। कांटी ग्राम को टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा केंद्र सरकार की निकरा परियोजना से गोद लिया गया है। महिलाओं को खाना बनाने के लिए अब लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही आंखों में जलन और अस्थमा जैसी बीमारी में भी कमी आई है। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली सिलेरी का उपयोग किसान जैविक खाद के रूप में खेतों में डालकर अपनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है। इससे प्रतिदिन लगभग 30 क्विंटल लकड़ी की बचत हो रही है। गोबर गैस लगने से गांव में हरियाली बढ़ी है और पर्यावरण को भी लाभ मिल रहा है, और खेतों में गोबर की खाद डालने से फसल उत्पादन में 20 से 25% की वृद्धि हुई है। किसान धान की फसल लगाकर लाभ कमा रहे हैं। बरसात के मौसम में लकड़ी नहीं जलती थी, धुआं लगता था, अब गोबर गैस पर बनाने लगी है। बर्तन काली नहीं होते, आंखों में धुआं नहीं लगता है, गैस से काली बर्तन नहीं होते हैं, जल्दी खाना बन जाता है और आंखों में धुआं नहीं लगता है, लकड़ी की बचत होती है और कम समय में खाना बन जाता है। पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब गोबर गैस पे खाना बनाते हैं। पहले लकड़ी से खाना बनाते थे और कांडों से तो धुआं लगता था आँखों में, और स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता था, और बर्तन काले होते थे और घर भी काला हो जाता था, बर्तन साफ करने में देर लगता था। और अब गोबर गैस पर खाना बनाते तो बर्तन काले नहीं होते और जल्दी खाना बन जाता है और बर्तन साफ करने में देर नहीं लगता। जो संसाधन है उनको प्रबंधन करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने कांटी में पशुओं की ज़्यादा संख्या थी, जिससे यहाँ गोबर बहुत निकलता था और उस गोबर को ओपलों के रूप में यूज किया जाता था, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता था। उसको गांव में गोबर गैस संयंत्र स्थापित करके उसको गैस को खाने में यूज करना और उससे जो खाद निकलती है, सैल निकलती है, उसको जो है खेतों में यूज कर प्रयोग करना, जिससे कि रासायनिक उर्वरक हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं और 20% तक रासायनिक उर्वरकों की कमी हो जाती है। दूसरा, जो धुएं से महिलाओं में आँखों के रोग या श्वास के रोग होते थे उनमें कमी आती है, और गैस में जो ईंधन में लकड़ी यूज होती थी तो वो पैसा भी बचता है, क्योंकि ये लकड़ी जो है आसपास के जंगलों से ही काटते थे और ये कटान बंद हो जाने से पर्यावरण में जो पौधे हैं, जो वन हैं, उनका भी सुरक्षा होता है। दूसरा, जो इससे लकड़ी जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी जो गैसें हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती थी, उनमें कमी आती है। अगर 188 गोबर गैस में 160 परिवार जो खाना बनाता है तो एक परिवार लगभग 15 किलो लकड़ी जो है प्रतिदिन यूज करता है, और एक 15 किलो लकड़ी जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो पूरे 160 फैमिली का 15 किलो के हिसाब से जोड़ा जाए तो कई कुंटल लकड़ी जो है गाँव में जलती है, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन लेयर को ख़राब करने वाली गैसें हैं वो कम होती हैं।